ऐसा है कि हमने जिला उपायुक्त के से बात की थी अभी 3-4 दिन पहले, उन्होंने राय दी कि आप सूखा राशन जितना भी दे सकते हैं वो दें। तो उस कड़ी में फिर हमने रोटरी क्लब सिरसा सीनियर का मैं भी सदस्य हूँ और हमारे साथ हमारे पूरा प्रधान सचिव सारी टीम है और इसके साथ साथ महिलाओं की एक संस्था है नरबिल क्लब सिरसा मेन, वो भी हमारे साथ सहयोग कर रही है। तो इसी तरह संस्थाओं के साथ मिलकर जो है ये राशन वितरित का काम किया जा रहा है और इसके लिए कमेटी लीफ कमेटी बनी हुई है, जिसके जो चेयरमैन है वो DTC हैं। तो DTC से हमें जहाँ से भी आदेश आता है भी जिस एरिया में आपने राशन बांटते हैं वहीं जाकर हम बांटते हैं और बाकायदा उनकी टीम भी आज होती है हमारे साथ, कल भी थी और आज भी कुछ एरिया में थी, अभी टीम दूसरी जगह चली गई है तो इसलिए हम खुद आए हैं राशन बांटने के लिए और बाकायदा इसकी एंट्री होती है और सबके साइन भी होते हैं जिनको हमने राशन दिया। तक लगभग 120 परिवारों को राशन दे चुके हैं और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा, जैसे जैसे हमारे पास उपायुक्त महोदय से और प्रशासन से लिस्ट आती रहेगी रोटरी क्लब, तो इसी तरह से रोटरी क्लब सिरसा और इंद्रवील क्लब, इसके अलावा और भी संस्थाएँ मारुति भंडारा है जैसे, तो वो जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं वो संस्थाएं हमें अपने आप फ़ोन कर रही हैं कि हमारे से डोनेशन लो। ओके, में 5 किलो आटा है, 2 किलो चावल है और 1 किलो दाल है, कुछ चीनी भी है और मसाले भी हैं, 100-100 ग्राम मसाले हैं जैसे धनिया है, मिर्च है, नमक है, तो सरसों का तेल है और एक साबुन की चक्की भी साथ में दे रहे हैं जी। तो इस तरीके से ये सारा राशन बन गया। कोई नंबर मैंने अपना पर्सनल वायरल नहीं किया, पर्सनल तौर पर मैं कोई काम नहीं कर रहा, ये जिला प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन हमें जहाँ भी हमारी जिम्मेदारी, जिला प्रशासन ने एक सर्वे करवाया था, उस सर्वे का अकॉर्डिंगली जहाँ की वो लिस्ट देते हैं उस सर्वे में जो जरूरतमंद आदमी लोग हैं उनको हम राशन वितरित करते हैं।